पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद जिले में आज पुलिस की अग्निशमन इकाई द्वारा जिले में अग्निशमन का कार्य करते समय शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया गया और उनके वीरता की चर्चा की गई। इसके साथ ही अग्नि सुरक्षा सेवा सप्ताह अभियान की शुरुआत की गई, जिसकी शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की गई, जिसमें गर्मी में होने वाले अग्निकांडों से निपटने की जानकारी दी गई और सूचना देने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। आज से जनपद में अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत की गई है। पूरे एक सप्ताह तक कार्यक्रम के रूप में इसे मनाया जाएगा। साथ ही प्रत्येक दिन अलग अलग तरीके से लोगों को अग्निशमन के प्रति जागरूक और फायर सेफ्टी जैसे मुद्दों पर जनता से चर्चा कर उन्हें जागरूक किया जाएगा। मुरादाबाद की जनता से मेरी ये अपील है कि हमने जो बिल्डिंग है उनके लिए हमें अपने गांवों में अपने संस्थानों में अपने उपकरण को लगाएं, उनको कार्यशील रखें, जो मानक के अनुसार जो उपकरण लगने चाहिए उनको सबको लगाएं। उसके बाद जो है अपने वहाँ पे जो स्टाफ है उनको उन उपकरणों को चलाने के लिए प्रशिक्षित भी करना चाहिए। उसके साथ साथ समय समय पर मॉक ड्रिल उनको ट्रेनिंग इत्यादि कराते रहें, साथ में अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। अग्निशान होने न पाए तो अग्नि की रोकथाम के लिए हमें सारे उपाय करने चाहिए, क्योंकि अग्नि की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विद्युत अग्नि सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आग लगनी करना है ज़्यादातर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण। उसकी रोकथाम के लिए हमें समझते हैं कि आप उपाय सारे करने चाहिए, जितनी भी जर्जर वायरिंग या फॉल्टी इक्विपमेंट्स जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं उनको बदलवा करके रिप्लेस करा करके ठीक कराना चाहिए, क्योंकि उनके वैसे 80% लगभग आग भवनों में बिजली के कारण तो ऐसे उपाय करें उनको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए प्रोत्साहित करें, बाकी प्रोत्साहित करें अपने भवनों का जो महत्वपूर्ण भवन है बड़े भवन है उनका इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट कराएँ, ताकि आग लगने की घटना ना हो। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट से जो भी खतरा है वो पहले से भाप लिया जाए और उसको ठीक करा लिया जाए, ताकि बड़े अग्निकांड ना होने पाए और बड़ा जनता की हानि। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।